लाइन देखिए भाई, ये एक सोल्यूशन हो गया। देख के इसी तरह से अगर लाइट बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, समझ में आ रहा? सबको मालूम है क्यों नहीं बना सकते? बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि लाइट आई कि नहीं आई। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। देखिए इसके अंदर अभी क्या हो गया है, लाइट आ चुकी है, अभी ये सेट प्रॉपर ऑन भी होगा। और इसके लिए मैं एक बार और थाली मार रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास आज MI का 4A हैंडसेट है। कौन सा है? 4A हैंडसेट। ये हैंडसेट क्या मेरा है क्या? नहीं। किसका हैंडसेट है ये? हम लोग बताइए, आपका हैंडसेट है? अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम भी आप ही ने लेके आए ना, या प्रॉब्लम है करके? नहीं, तो आप लाए हो। अच्छा, ये बताओ कि आपकी शॉप में ये आया था तो कहीं और जाकर आया कि डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आया? डायरेक्ट आया आपके पास। तो आप इसको बनाए वहाँ पर शॉप पे? अभी आपको पूरी नॉलेज है लाइट सेक्शन की? खैर, वैसे तो हार्डवेयर की पूरी नॉलेज है, अभी आपका सॉफ्टवेयर का क्लास चल रहा है अभी, ठीक है। तो अभी आप इसको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बनाएंगे ना, ये मेरा सेट तो नहीं है। अच्छा, मैं इसमें से कुछ कॉयल डायोड IC खराब वाली लगा देगा, ऐसा कुछ लगाया हूँ क्या? नहीं लगाया। तो फ्रेंड, इनका ही सेट है ये, हमारे स्टूडेंट का ही, और इनके और भी कई सारे, जैसा J7 का आपका थर्मिस्टर का प्रॉब्लम था, वो एक ऑन हो गया। सैमसंग J4 था, सैमसंग का नेटवर्क वाला, वो भी हो गया आपका। और कौन सा किए थे कल? MI 4X है वो भी, टच वाला, टच वाला, उसका CPU रिवॉल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगा। और ये इनका 4A का हैंडसेट है जिसमें क्या नहीं आ रही है, लाइट का प्रॉब्लम है। बताइए, ऑन करके सेट को ऑन करिए। अभी ये वाइब्रेट हुआ है, हुआ है ना वाइब्रेट? बताइए लाइट आ रही है क्या? लाइट इसमें नहीं। देखिए ये सेट अभी वाइब्रेट हुआ, थोड़ा जोर से बोल दीजिए, वाइब्रेट हुआ कि नहीं हुआ? वाइब्रेट हुआ है, बट लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही है। इनके हाथ में सेट है और इन्होंने अभी इसको दबाया है और वाइब्रेट हुआ है सेट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करना है, और ये वीडियो सब लोग आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लगाइए। अभी हम पहले इसकी क्या करेंगे, हॉट टेस्टिंग करके देखेंगे और कूल टेस्टिंग। हम दोनों टेस्टिंग से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सबको आता है ना हॉट टेस्टिंग कूल टेस्टिंग? एक बार बताइए इस तरफ, एकदम उस तरफ बताइए। अच्छा, अगर बात करूं हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग, सबको पता है? यस सर। सब लोग कर लेंगे? यस सर। ये जो लाइट सेक्शन का आपका जो सर्किट है, सबको पता है ना? यस सर। क्या क्या कंपोनेंट उसमें होते हैं, कहाँ पे इनपुट और कहाँ पे आउटपुट आता है, सबको पता है ना? यस सर। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो रुक जाइए, क्या हो गया? बारीक सुई वाला चाहिए, थोड़ा बारीक सुई वाला मल्टीमीटर हो तो देना। चलो यहाँ पे ले लो, ये हो गया हमारा बारीक सुई वाला। पहले हम इसमें क्या करेंगे, फुल टेस्टिंग मेथड से चेक करेंगे, ठीक है। तो पूरा घुमा लो, पूरा घुमा लो सर जी। इसमें इसको फुल टेस्टिंग, उल्टा उल्टा हुआ थोड़ा, देख लो। पहले तो इसका सब V-Bat चेक करेंगे। यहाँ पर V-Bat से इनपुट की कंटिन्यूटी कहाँ देखेंगे? IC के ऊपर, IC के ऊपर देखेंगे। चलिए V-Bat पे लगाइए। बताइए लाइट सेक्शन कहाँ है इसका? ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। ये बोर्ड निकालिए यहाँ से, वीडियो बन रहे ऑन करो। इसका हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से बोर्ड निकालेंगे इसका। चलिए आप ही करें। ये मेरा लाइट सेक्शन हो गया, नीचे का नहीं दिख रहा क्या? इसको अच्छा रखिए थोड़े, ठीक है। ये हमारा क्या है, V-Bat। ये प्रोब यहाँ लगाइए, कंटिन्यूटी आ रहा नहीं, बताइए एक बार दोनों की। यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए, एक यहाँ लगाइए। तो ये हमारा क्या है, V-Bat, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप एक प्रोब रखिए कोई भी, और दूसरा प्रोब लगाइए, कहाँ लगाना है आपको पता है? ऊपर 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 हवा
तो ये हमारी आईसी के एक पिन पे बीप दे रहा है। कौन सी पिन पे बीप दे रहा है हम यहाँ सारा डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यूटी मिल गई। और यहाँ लगाइए चार नंबर पिन पे, तीन नंबर पिन पे, छह ये हो गया, तो चार पे लगाइए ऊपर। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी कहाँ मिल गई हमको? चार और छह पे। ठीक है, ठीक है, अभी कहाँ देखेंगे इसकी कंटिन्यूटी? देखेंगे कि डायोड के इनपुट में आ रही है नहीं आ रही। यहाँ भी देखिए नीचे ऊपर पीछे देखिए, ऊपर नहीं आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए नीचे आएगा, नीचे तो ना ऊपर वाले में देखो, यहाँ से कंटिन्यूटी चेक करो इसकी, ऊपर देखते अच्छे से लगाइए आप। आईसी में लगा छह नंबर बीच में कुछ आ रहा है, पहले बीप बज रहा है देखो, से होते हुए डायरेक्ट से जाके डायरेक्ट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ तक कंटिन्यूटी इसकी मिल रही है। जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक कर सकते हैं बैटरी लगा करके। तो हमको कितना जितना बैटरी में रहेगा उसका 10% ज्यादा बैटरी में, अगर 3 वोल्ट है तो 30 वोल्ट मिलेगा बैटरी, अगर 4 वोल्ट तक चार्ज है तो आपको लाइट के डायोड के प्लस ये वाले हिस्से में कितना मिलेगा, ये दोनों लेग पे आपको 44 वोल्ट मिलेगा। लेकिन जब ऑन होगा तो जब से डाउन होगा तो ये 10 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना भी चीज रहा है तो 30 मिलेगा, 3 का 30 4 का 40। ठीक है, तो यहाँ पर डायोड के हमारे इनपुट में तो मिल गया, तो अभी ये आउटपुट कहाँ जाना चाहिए? किसी ना किसी कैपेसिटर से जुड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉइल जुड़ा है, ये आईसी के बीच में कॉइल, और कॉइल का इनपुट वाला हिस्सा किससे जुड़ा है? डायोड के, और आउटपुट का हिस्सा है कैपेसिटर से जुड़ा होगा। चलिए कैपेसिटर कौन सा है बताइए, वो यहाँ यहाँ से लीजिए, यहाँ से ये आउटपुट वाला है ना आपका, आउटपुट से लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है यही वाला है ना जहाँ पर, तो यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? डायरेक्ट कनेक्टर पे, कनेक्टर पे। चलो कंटिन्यूटी चेक करो इसकी, कनेक्टिविटी चेक करो, डिस्प्ले कनेक्शन। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर करिए दिख नहीं रहा हमको, इसका डिस्प्ले का कनेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए आप कनेक्टिविटी चेक करिए, यहाँ पर एक काला सा हमको कैपेसिटर मिला है, इसमें क्या मिला? जला हुआ कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर क्या है अभी रिमूव है। लेकिन यहाँ देखिए अभी कंटिन्यूटी आ रही है क्या इसकी? आ रही है नहीं। तो यहाँ पर प्लस का वोल्टेज हमको यहाँ मिलना चाहिए जो बूस्ट वोल्टेज है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जम्पर करेंगे। अच्छा, यहाँ से कहीं यहाँ पर बीप बज रही है क्या? फिराइए सारा प्रोब कनेक्टर पे, फिराइए कनेक्टर पे, कंटिन्यूटी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कनेक्टर पे आएगी तभी जाके आपका सेट क्या होगा, ऑन होगा। और यहाँ से कैपेसिटर मिस है ना, तो यहाँ कैपेसिटर पे चेक करिए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बीप दे रहा है क्या वहां से? नहीं दे रहा है। तो हमको एक फॉल्ट ये मिला कि ये कैपेसिटर से कनेक्टर पे कहीं भी बीप नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर तक क्या हो सकती है? ब्रेक ब्रेक हो सकती है। लेकिन हम पहले हॉट टेस्टिंग भी करेंगे अभी। चलिए बैटरी लगाइए, तो हम यहाँ पर क्या देखें अभी पूल टेस्टिंग में, ये देखें कि वहां तक हमको डिस्प्ले कनेक्टर तक कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। लेकिन आईसी अगर किसी भी सेट में लाइट नहीं आने के बहुत सारी क्या रीजन हो सकती है, आईसी खराब हो सकता है, उसमें इनपुट ही नहीं जा रहा है वीवेट वाला, या फिर उसमें ईएम सिग्नल नहीं मिल रहा है। और कौन सी लेग पे आता है सबको मालूम है कि ईएम सिग्नल कौन सी लेग पे आता है और इनपुट कौन सी लेग पे जाता है, आउटपुट में क्या क्या होता है, डायोड हो गया, कॉइल हो गया जिसे बूस्ट कॉइल बोलते हैं, और एक कैपेसिटर होता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कूल टेस्टिंग में, और इन्हीं सब में इनपुट और आउटपुट देखते हैं हॉट टेस्टिंग में, वोल्टेजेस को मेजर करेंगे। तो अभी हम सेट को ऑन करेंगे, क्या करेंगे? ऑन। और ईएन सिग्नल कब आना चाहिए आप सबको पता है? ठीक है, तो ये सेट इनका अभी ऑन हो रहा है, यहाँ पर देखिए इन्होंने सेट को ऑन कर दिया। अभी इसमें क्या करेंगे? हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग में पहले इनपुट के वोल्टेजेस चेक करेंगे कि इनपुट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद देखेंगे बूस्ट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसको 200 पे डालेंगे, ठीक है, कितने में डालेंगे? 200 डीसी, 20 पे डालेंगे तो 20 के अंदर का ही शो करेगा। लेकिन बूस्ट वोल्टेज इसमें हम नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि बूस्ट वोल्टेज आपको 16 से लेकर 40 के बीच में कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पर 200 वोल्ट पे सेट करेंगे। तो अभी पहले चेक करिए इनपुट पे, जो 6 नंबर वाली ऊपर बताइए, हमको दिख नहीं रहा है, यहाँ बताइए, यहाँ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा इनपुट कहाँ आ रहा था? 6 नंबर वाले पिन पे। तो चलिए 6 नंबर पे वोल्टेज यहाँ चेक करके बताइए, 6 नंबर पे लगाइए कितना वोल्टेज आ रहा है, पूरा घुमाना
चलो बराबर है। ये कितना आ रहा है अभी? 3.6। अगर मैं इसको 200 पे डाला कितना बता रहा है? 3.5। चलिए यहाँ तो आ रहा है, चलिए आप ये डायोड पे बताइए दोनों तरफ कितना कितना आ रहा है? 3.5। नीचे के साइड बताइए, यहाँ भी 3.5 और कैपेसिटर को बताइए कितना आ रहा है? 3.5। चलिए अभी डिस्प्ले के जो हमारा कनेक्टर है, तो डिस्प्ले कनेक्टर कहाँ गया हमारा? तो यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्टर के पास, यहाँ पर इसका नीचे करिए उसको, यहाँ पर इसका एक कैपेसिटर जो कि अभी रिमूव है, और कैपेसिटर रिमूव होगा तो यहाँ पर प्लस वाली लाइन पे आना चाहिए ना वोल्टेज? आ रहा है क्या? चलिए अभी एक एक करके सारे डिस्प्ले में देखिए, कहीं पर आपको जो 4 वोल्ट हमारा 3.6 मिल रहा था कहीं मिल रहा है क्या? एक एक प्रोब पे घुमाएंगे धीरे से, एक एक पे रखिए शॉर्ट होगा, देखिए आ रहा है क्या कहीं पे? चलिए ऊपर बताइए, तो यहाँ मिला कहीं पर भी वोल्टेजिंग में वोल्टेज नहीं मिला, तो अभी हम क्या करेंगे, कैपेसिटर जो हमारा प्लस वाला है वहां से क्या करेंगे, जम्पर लेंगे और हम चाहे तो यहाँ मार सकते हैं, कहाँ पर? जहाँ पर से कैपेसिटर इनका रिमूव है, या फिर हम एक नंबर पिन पे मारेंगे, कहाँ मारेंगे? एक नंबर पिन पे मारेंगे तो यहाँ तक इसका कंटिन्यूटी आ जाएगा और उसका वोल्टेज आ जाएगा, तो इसलिए करिए बंद करिए सेट को, जम्पर ले लीजिए जम्पर क्या से कंटिन्यू रोको मत अभी। एक्चुअली पूरा अगर बता देना तो कोई भी बैठ के बना सकता है, अगर इतना डिटेल में बताऊं तो समझ में आ रहा? नहीं नहीं सही बात, बस सब बोलते ये थोड़ा डर बहुत है, बहुत बड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्या हो जाता है कि आप तो आ गया, चलो जब तक आपको ऑन करो ठीक है, इसके प्लस से अभी कहा कंटिन्यूटी यहाँ तक ले लिए, चलिए अभी एक नंबर पिन पे बताइए, हाँ वहीं से एक नंबर पिन भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो हमारा जो प्लस का लाइन यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कटा हुआ है, बीच में कुछ कंपोनेंट मिस है क्या? नहीं सर बताइए, आप लोग बोलिए कुछ कंपोनेंट यहाँ से मिस है क्या? हमने कुछ रजिस्टर कुछ निकाल के ऐसा लाइन ओपन तो नहीं की? एक शर्ट किसका है, मेरा है कि स्टूडेंट का है? स्टूडेंट्स का ही है ना, उस लोग क्रिएट तो नहीं किया ना लाइव, इसने यहाँ पर कल हमने 4 घंटे बैठ के बनाया वो चीज, आपको आज हम यहाँ पर सारी चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी आ गई। चलिए अभी अभी आप इस तरफ आइए और अभी यहाँ देखेंगे सेट को ऑन करके, क्या करेंगे ऑन करके, चलिए लगाइए इसको यहाँ लीजिए, एक तो बूस्ट वोल्टेज भी बनना चाहिए, दूसरा क्या प्लस हमारे कनेक्टर के एक नंबर पिन पे आपको वोल्टेजेस आने चाहिए और कंटिन्यूटी आनी चाहिए लाइन, देखिए भाई ये एक सोल्यूशन हो गया, देख के इसी तरह से अगर लाइट बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, समझ में आ रहा? सबको मालूम है क्यों नहीं बना सकते? नहीं आ सकता और आप वो 6-4-6 बोलता हूँ ठीक है, तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि लाइट आई कि नहीं आई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं, देखिए इसके अंदर अभी क्या हो गया है, लाइट आ चुकी है, अभी ये सेट प्रॉपर ऑन भी होगा, और इसके लिए मैं एक बार और थाली मार रहा हूँ, क्योंकि इसके पास एक सेम 4A हैंडसेट है जो कि ऑन है और ये डेली यूज करता है, समझ में आ रहा? मैं क्यों थाली मारने के लिए बोल रहा हूँ, ये डेली यूज करता है, उसके अंदर इसके नंबर्स हैं, उस पे कॉल आ रहे होंगे, कुछ भी आ रहे होंगे, लेकिन ये डेड था हैंडसेट इसके पास, तो इसके अंदर इसने पहले वो सेट को निकाला, उसकी आईसी भी उठा दी उसमें से लाइट की, ताकि ट्रेस कर सके, समझ में आ रहा? तो ऐसे आपको ये होना चाहिए कि मैं वो सेट भी ऑन कर लूंगा, ये देखिए इस तरह बताइए, तो ये हमारा हैंडसेट क्या हो गया, अभी पूरी तरह से अभी ऑन हो चुका है, तो एक बार सब लोग क्लैप कर दीजिए इसके लिए फिर से एक बार। स्टूडेंट को आप स्टूडेंट आने वाले ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।